हेलो, दिस इज समी थापड़ एंड वेलकम बैक टू माय सस्ता व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, लेकिन अभी पता नहीं चलेगा, 2 घंटे के बाद पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस इंतज़ार करो, और क्या। हम लोग एक घर के बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। ये मम्मी पापा, ये हम समी थापड़, ये रहा भैया। हाय, ओके, बाय बाय। यहाँ पे है सब लोग जो भी जाने वाले हैं। अंजी दी बहुत देर से प्रयत्न कर रही है कि उनको नींद के मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। पिछले 5 मिनट से ढूंढे जा रही हैं, और वो झोला भी उन्हीं का है, ऐसा नहीं है कि किसी और का है। फिर भी नहीं मिल पा रहा है इनको। बहुत कोशिशों के बाद ही मिल गया फाइनली। अब एक बचपन का याद जो आप सभी को याद दिलवाना है। अंजी दी और मम्मी खोपी खा रहे हैं बैठ करके, और यहाँ पे गौर से देखिए एक पैकेट और रखा हुआ है। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, इसके बाद राजगीर। हम लोग राजगीर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप पीछे उसका बैनर देख सकते हैं, राजगीर का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे बाकी सारे लोग हैं। बाकी सारे लोग नहीं हैं, एक दो लोग अभी मिसिंग हैं, वो लोग आ जाएंगे। अब हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के होटल ढूंढने जा रहे हैं जहाँ पे हमें स्टे करना है 3 दिन। हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, होटल ओम साई राम। यू कैन सी राजगीर स्टेशन से जस्ट उतरते ही 5 मिनट के वॉक पे होटल है, और यहाँ का पर नाइट कॉस्ट 700 रुपीज़ है। दिखा देना। तो वी हैव बुक्ड अ होटल, नाउ वी आर गोइंग टू गेट रिसेप्शन। द नेम इज होटल ओम साई राम। भक्ति पहला रूम था, अभी सेकंड वाला रूम ये रहा बगल में, ये भी हमने लिया है। और बस थोड़ी देर में हम लोग खाना खाकर फ्रेश होकर बाहर निकलेंगे घूमने। ओके, तो अभी हम लोग बस में बैठे हैं और हम लोग नालंदा जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर, और ये रहा नज़ारा। बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से। यहाँ पे लगा है लाइन, इंडियन विजिटर का 40 रुपये लगेगा, और ये आप देख सकते हैं अंदर कितना लंबा लाइन है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं 26 दिसंबर को, जस्ट अ डे आफ्टर क्रिसमस। यहाँ पे हमारे परिवार वाले लोग लाइन में लगे हुए। इस बच्चे ने अभी अभी मेरे भाई को माइकल जैक्सन कहा है, उसके लुक्स के कारण। फाइनली वी आर इन। ये कहानी बता रहे हैं, नालंदा के जितने मेन गेट्स थे उसमें से एक भी गेट आज तक मिले नहीं हमें। ये सामने वो छोटा सा गेट है, ये कौन सा गेट? ये एंट्री गेट है, इसको काट दिया गया है। बाद में जब डिस्कवरी हुआ तो अंदर जाने के लिए चाहिए ना, अब टूरिस्ट आएंगे तो उनके लिए जाने के लिए चाहिए ना, काट करके इसलिए रखा गया। हमें एक मैप भी मिलेगा यहाँ पे, सी दिस इज द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अब एक खंडहर बन चुका है। हम लोग उधर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। शिट्स, ये है टूरिस्ट गाइड जो बंगाली में सब कुछ समझा रहे हैं। यहाँ पे है छोटे छोटे हमारे बच्चे। और ये है घूमने वाला एरिया, ये मंदिर था, ये मंदिर था। जैसा हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे आओ, इट इज इट्स योर मैप। ओके, यहाँ पे एक मैप भी है।
यहाँ पे एक जेल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आकर के आप टूरिस्ट गाइड भी हायर कर सकते हो, जो कि हमने नहीं कराया और इस वजह से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। बस हमें ईंट के ऊपर ईंट रखा दिखाई दे रहा है, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब एक ईंट छूने दे नहीं रहा, ईंट से ईंट बजाना है इनको। अरे यार व्लॉग में बोलना जरूरी था आपको। मम्मी जब से आई है तब से फोटो करी जा रही है, लेकिन मम्मी कोई फोटो ही नहीं खींच रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का फैलाव काफ़ी दूर दूर तक है और अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि व्लॉग में क्या बोलना है। जी दी पोज मारते हैं। अगर आपको काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद है, ऐसे देखने का शौक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो। और ये फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। एक लगता तो है कि ये कुआं है, वो नहीं जाना है क्या? कोई बात नहीं, जल्दी से देख लेते हैं। दूर रहो इससे, मेरा फ़ोन गिर जाएगा। वो कुआं था बहुत गहरा, बहुत गहरा, और अंदर पेड़ पौधा उगाया है उसमें से। पानी तो नहीं दिखा हमको। हम लोग अब बाहर जा रहे हैं, हम काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी चल लिए हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा नया नया जूता, इसके कारण चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये रहा वो जूता, अच्छा है ना? आई नो, मेरे सपनों पर पानी फेरा गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम वो बबल निकलने वाला, यू नो वो, हाँ वही वही, वो लेने वाले थे, लेकिन नहीं, मम्मी ने मना कर दी। शिट, वो लेके क्या करेगा? क्या है वो? हिप्नोटाइज करेंगे। किसको? तुमको। हाँ, हम नहीं होंगे हिप्नोटाइज। क्या है ये? बाल बांधने वाला है। ये रहा पेंसिल बॉक्स, ये 60 रुपए का दे रहा है, और ये 100 रुपए का ओखली है। कुछ कुछ सामान देखा जा रहा है, वो यही है बबल्स निकालने वाला, चलो यही लेना है। हम पीला वाला लेंगे, ये मिल गया। भैया काफ़ी सारा उखली देखने के बाद फाइनली वहीं से लेना चाह रहा है, क्योंकि उसका शेप अच्छा है। लोगों ने ये लिया है, ये एक अंगूठी लिया है, ये लिया है चाबी लटकाने के लिए, भैया उखली लिया है, और हम लोग आगे जा कर के एक्सप्लोर करेंगे। कितना हुआ? यहाँ आए हैं हम लोग गन्ने का जूस पीने, जिसमें ये मिंट भी डालते हैं, और ये लाइट ग्रीन कलर का बाहर आता है, और इसका टेस्ट पीने के बाद ही पता चलेगा। पहली बार हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा इयररिंग है यहाँ पे, सॉरी इयररिंग नहीं है, ये इतना बड़ा रिंग है यहाँ पे, और भी कुछ कुछ सामान है यहाँ पे, रिंग्स वगैरह, पेन। अंदर में मूर्ति, बहुत सारा मूर्ति। मम्मी ये देखो, ले लो ना। और ये रही, मम्मी नहीं खरीद रही है, 180 के लायक नहीं है। और यहाँ पे एक लड़की है जो डांस कर रही है, करो। मम्मी को बहुत गंदे तरीके से हम इरिटेट कर चुके हैं। कैसे इरिटेट किया? ले मैं शो यू। टन टन। अरे मान करता नहीं, हम यहाँ गए हैं तो बस ये हो गया, यहाँ दे लेंगे। गलत बात है, ये तो ये सब प्री प्लान था, ये सब कॉन्सेप्ट रचा हुआ है। ये लोग फोटोशूट करवा रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर के। मम्मी अभी जस्ट आई है फोटोशूट करवा के, अंदर में ढूंढ रही है कि कैसे बजाते हैं, अंदर क्या है, हीरा मोती है या सोना है, सोना चांदी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं अंदर। ओहो हो, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए बड़ा आया था फोटो खिंचवाने। अभी अभी इसको पानी लगा है, कु
उसको देख के मेरे बचपन का याद ताज़ा हो गया। हम 6th स्टैंडर्ड में स्कूल की तरफ से आए थे और इसी में खाना खाए थे और इस वाले जगह पे हम लोग लाइन में खड़े थे बाहर वापस जाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। दीदी टिकट ले करके वेट कर रही है हम लोगों का। ये म्यूज़ियम बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी के सामने है, आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नालंदा। ये है म्यूज़ियम, यहाँ सामने एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। अंदर हम लोग घूम करके बाहर आ चुके हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए ना फ़ोटोज़ ले पाए। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम लेकिन क्या करना है, अंताक्षरी तो नहीं खेलेंगे। ये रहा एक खच्चर बच्चा, इसकी मम्मी पीछे से बुला रही है लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम लोग आए हैं गौतम स्वामी का जैन मंदिर। कहाँ जाता है? कुंडलपुर। कुंडलपुर, ओके। और ये है हमारा सवारी, इससे हम लोग वापस घर जाएंगे। शांति है यहाँ पे, काफी शांति। ओके तो फाइनली अब 2x की स्पीड पर लेट मी समराइज एवरीथिंग। हम लोग 65 रुपए का राजगीर का टिकट लिए, फिर वहाँ से राजगीर के स्टेशन पे उतरे, फिर वहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक होटल लिया जिसका पर डे पर रूम प्राइस है 700 रुपी। उसके बाद हम लोग गए नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें टिकट है 40 रुपीज पर पर्सन। उसके बाद हम लोग एक मंदिर में गए, जैन मंदिर में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने एक म्यूजियम था जिसका टिकट का कॉस्ट था 5 रुपी पर पर्सन। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी से हमने एक टोटो लिया जिसने 300 कॉस्ट करा हमें आगे एक मंदिर घुमाने को और फिर वापस अपने होटल पर छोड़ने को। अभी हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और अब लास्ट एट नाइट चाय पीने के लिए आए हैं हम लोग सब भाई को छोड़ के। ये लोग दोनों का कुश्ती चल रहा है, मम्मी शॉल वाल ओढ़ के बैठी है। दैट वाज द एंड ऑफ द डे वन, अब डे टू में मिलते हैं, बाय। मिनट कुछ नया मिला मुझे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बस चारों तरफ ईंट ही ईंट दिखाई दे रहा है।